SRM टुडे, शहर की आवाज। आज ही के दिन विगत 23 जुलाई 1983 को मंदसौर में पुलिस कर्मी की गोली चालान में मृत हुए लोगों को शहीदों का दर्जा देकर जिला चिकित्सालय परिसर में स्मृति वन की स्थापना की गई थी। इसी स्मृति वन पहुंचकर आज शहीदों को याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंदसौर के जिला चिकित्सालय परिसर में स्मृति वन स्थापित है। ये स्मृति वन उन्हीं शहीदों की याद में स्थापित किया गया था जिनकी मृत्यु एक पुलिस कर्मी के मानसिक संतुलन के बिगड़ने के चलते गोली चालान से हो गई थी। विगत 23 जुलाई 1983 को वो काला दिन आज भी मंदसौर का जनमानस भुला नहीं पाया है। इस गोलीकांड में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार का दर्द भी असहनीय है। उन्हीं परिवार के सदस्यों द्वारा आज स्मृति वन पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया। स्मृति वन की स्थापना के बाद से कई सामाजिक संगठनों द्वारा इसके रखरखाव को लेकर बातें कही गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। स्मृति वन को गोद भी लिया गया लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो पाई। आज स्मृति वन में गाजर घास और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। चारों ओर गंदगी पसरी पड़ी है। इतना ही नहीं, स्मृति वन में जो स्मारक है उस पर भी शहीदों के नाम वर्णित थे जो आधे मिट चुके हैं। गोलीकांड में शहीद लोगों के परिजनों से हमारे संवाददाता विपिन चौहान द्वारा बात की गई। इस तरह से वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे शहर में घटी। निश्चित रूप से 13 से 17 परिवार के बीच में लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। उन्हीं परिजन की याद में आज हमने उन्हें मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी 2 मिनट। आज हम खड़े हैं मंदसौर जिला चिकित्सालय परिसर में। यहाँ पर स्मृति वन बना हुआ लगभग 35 साल पहले पशुपतिनाथ मंदिर पर एक पुलिसकर्मी द्वारा लगभग 13 से 14 लोगों के परिवार को उजाड़ा गया था। लगातार जो भी रास्ते में दिख रहा था उसको गोली मारकर उसने मौत के घाट उतारा गया था। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था हम बात करते हैं उनके परिजनों से। दयाल जी बताइए किस तरीके से हादसा हुआ था, ये कब का हादसा है? ये 23 जुलाई 1983 का हादसा है जी। उस वक्त मेरे मंदिर पे मेरी चाय की होटल थी और मैं वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मेरा भांजा भानपुरा से प्रदीप भारती मिलने आया था तो मैंने उससे कहा मेरी अभी 2-4 दिन के दिन यहाँ रुक जाओ और मैं हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए फिर आप वापस चले जाना। तो वो यहाँ रुका हुआ था, उसी पीरियड में ये कांड हुआ। उसमें सबसे पहले मेरे भांजे को उसने गोली मारी थी जी। तो बताया जा रहा है कि वो पुलिसकर्मी जो रमेश चंद्र शर्मा करके एक पुलिसकर्मी था, पशुपतिनाथ मंदिर की जो प्रतिमा है उसको भी गोली लगी थी, वहाँ के जो पुजारी थे उनकी भी डेड हुई थी उसमें, क्या सही हादसा हुआ था? हाँ, वो जब वहाँ से मारने के बाद तो फिर उसने एक राकेश जैन करके था उसको गोली मारा जो वहाँ मूर्ति की दुकान लगा रखी थी। उसके बाद मेरे बड़े भाभी थे उनके और उनका लड़का था भाई मेरा हरिगिरी करके, तो वो दोनों को वहाँ उसने एक साथ एक गोली मारी। क्योंकि जैसे मेरे भांजे के लगने के बाद जब उन्होंने कहा कि मेरे क्यों मेरे भांजे को क्यों मारा उसने ऐसा बोला तो उन्होंने वैसे उसी बंदूक उसकी तरफ करके उनको भी गोली मार दी। तो पहले मेरी भाभी को गोली लगी और वहीं पास में दुकान थी फूलमाला की, तो पास में मेरी भाभी बैठी, वो भाई भी बैठा था, तो वो गोली पहले माँ को लगी और फिर बेटे को लगी। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि उसने 13 से 14 लोगों को मतलब गोली मारी गई, क्या ऐसा क्या हो गया था? थोड़ा वो डिस्टर्ब मेंटल तो था सर, वो ड्यूटी पे भी खड़ा रहता था, ऐसा खड़ा रहता था जैसे बिल्कुल मूर्ति हो गया, वो बिल्कुल हिलता नहीं था डुलता नहीं था, तो लोग समझते थे कि कुछ डिस्टर्ब ही है, पर फिर भी वो वहाँ ड्यूटी दे रहा था। आपके परिवार को कितने लोग इसमें शहीद हुए थे? मेरा एक तो भानेज मारा जी, एक मेरे ताऊ जी के लड़के भाई वगैरह भाभी थी उनकी मिसेज मतलब भाभी, और उनका बच्चा जो था भाई वो मेरा काका भतीजा लगता था वो भी मरा उसमें। अभी जो लोग शहीद हुए उनके 3 परिवार के लोग इनके का कहना है कि 3 लोग हमारे यहाँ से मतलब शहीद हुए थे उनसे हम बात करते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर परिजन उनसे हम बात करते हैं। किस तरीके से ये हादसा हुआ था, काला दिन यहाँ पर माना जाता है, 23 जुलाई जो हुआ था एक हादसा, क्या कहना है इस बारे में आपका? ये कहना है कि 23 जुलाई जो मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में कांड हुआ था वहीं से पशुपतिनाथ मंदिर को जो 13 लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद विश्व विख्यात के लिए जब मीडिया आई और प्रचार प्रसार उसका हुआ कि यहाँ ऐसी घटना घटी, जब जाके बाहर अपने देश में ये पता लगा भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर में विराजित है। इन कुर्बानियों
जो कुर्बानियां वहाँ लोगों ने दी है, आज जिस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं उससे हमारा बहुत मन दुखता है। और यहाँ पर एक चीज़ तो देखने वाला, काफ़ी गंदगी है जिला चिकित्सालय परिसर के अंदर। यहाँ पर खुले में शौच भी की जा रही है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। यहाँ पर घास भी काफ़ी हो चुकी है। कई समाज संगठनों द्वारा यहाँ पर गोद भी लिया गया है, पर उसके बाद भी इसका यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हो पाई है। क्या मानते हैं आप, उनके जो शहीदों के जो नाम थे वो तक मिट चुके हैं, क्या मानते हैं आप? हम अपने आप को यहाँ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों के शहीद हो गए हैं। शहीदों के ऊपर कई राजनीतिक होती है, हम देख रहे हैं हमारे मंदसौर में कई लोग ऐसे सामाजिक संगठन भी है, बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक लोग लोगों की भावना से किस प्रकार खेलते हैं। भावना से खेला, कई बार यहाँ संगठन आए हमारे समक्ष ये बात कही कि हम इसे गोद ले रहे हैं। गोद लेने के बाद ये दुर्दशा देख के हमारी आत्मा दुख रही कि कहाँ हम इस शहीद की उपाधि लेने के बाद भी हम अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 23 जुलाई जो आज है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपके चेहरे पर पहले ही निराशा थी और यहाँ पर आप लोग आए, उसके बाद वो निराशा देखी, यहाँ पर जो शहीद जो थे उनके नाम मिट चुके, अब आपका क्या कहना है इस बारे में? आपका इसकी व्यवस्था करनी चाहिए सुचारू रूप से, और जो भी नाम मिट गए हैं उनका नाम लिखे जावे, और जो भी व्यवस्था है इसको वन की तरह सहेजा जावे। जो शहीद हुए थे उनके हम यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्या दुख है उनके पीड़ा में, आज क्या हादसा क्या हुआ था? आप भी एक छोटे से थे, आपको तो पूरा हादसा पता भी नहीं होगा, क्या आपने सुना होगा बड़े लोगों से कि किस तरीके से हादसा हुआ, क्या दुख होता है आपको? पहले जो अभी जो कहते हैं कि गोली चलाई थी एक पुलिस वाले ने जी, उसके उसमें था अपनी दादी और पापा और अंकल, तो दोनों शांत हो गए थे। क्या आपको कुछ पता है कि किस किस कारण से उसने गोली चलाई थी, क्या था, कुछ बताया आपको? क्या आपके दुख होता है आपको, यहाँ पर भी आप लोग आए हैं, आपके परिवार के लोग शहीद हुए, उसके बाद भी यहाँ पर जो हालत देखी आपने, क्या लग रहा है आपको? हाँ तो बहुत गंदगी है और रख रखाव नहीं है। पहले भी आए थे उस टाइम पे, उनने बोला कि हम वन लगाए तो उनने पेड़ तो सब खत्म हो गए। क्या दुख होता है आप लोगों को इस प्रकार से? बहुत दुख होता है देखने के बाद में। जिस प्रकार से यहाँ पर शहीद के परिजन यहाँ पर मिलने आए, स्मारक भवन जो यहाँ पर बना हुआ स्मारक भवन, यहाँ पर कई लोग दुख हो रहे हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो हमारे परिवार के लोग शहीद हुए थे उसके बावजूद भी इनके बाद भी आज भी इनको दुख मिल रहा है। जिस प्रकार से मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोलीकांड जो हुआ था, किसानों की 5 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद 23 जुलाई को यहाँ पर 1983 में एक घटना हुई थी जिसमें 13 से 14 लोगों को एक पुलिसकर्मी ने अपने मौत के घाट उतारा गया था। SRM टुडे के लिए विपिन चौहान, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।